Hi everyone, I am Faraz and I work at Google as a software engineer. In this video, I will be sharing my coding journey और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग efficiently coding कैसे सीख सकते हैं। इस वीडियो के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग माय फ्री DSA bootcamp, so watch till the end. So 2017 was the time when I started my college. और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने खुद से ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। बट लकीली मुझे ये पता था कि अगर मुझे अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो कोडिंग आना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया। जनवरी 2018 वॉज द टाइम व्हेन आई सबमिटेड माई फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन लीड कोड, और लिटरली सिर्फ एक प्रॉब्लम सबमिट करने के बाद आई गॉट लॉस्ट इनटू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मेरे कुछ दोस्त कोड फोर्सेस कर रहे थे, कुछ कोड शेफ कर रहे थे, तो मैं भी इधर उधर ट्राई करने लगा। बाय द एंड ऑफ 2018 मुझे समझ में आ गया कि यार इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है एंड आई विल हैव टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे कौन से दोस्त क्या कर रहे हैं। देन 2019 वॉज द टाइम व्हेन आई फाइनली गॉट कंसिस्टेंट, और ये जो कंसिस्टेंसी है इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी। अब इन दो सालों में मैंने कई सारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए, जिनमें से कुछ रिसोर्स बहुत अच्छे थे और कई जगह पे मैंने अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया। अब ये जो प्रिपरेशन के लिए मुझे दो साल लगे हैं, क्या सेम चीज़ आप इससे कम टाइम में कर सकते हैं? द आंसर इज येस, इफ़ यू नो कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है एंड कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर सिक्वेंस देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको बेस्ट फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जहाँ से आप लोग कोडिंग सीख सकते हैं एंड अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक कर सकते हैं। सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, मेन C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। मैंने C++ चूज किया था बिकॉज इसका कम्युनिटी सपोर्ट काफी अच्छा था। अब कम्युनिटी सपोर्ट क्या होता है, तो यार मेरे सराउंडिंग में काफी सारे लोग C++ में DSA कर रहे थे, इनफैक्ट कंपेरेटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी लोग C++ में कोडिंग कर रहे थे। तो इससे क्या होगा कि जस्ट इन केस आई गेट स्टक, आई विल हैव मल्टीपल पीपल जिनके पास मैं जा सकता हूं और अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई चूज C++। यू कैन चूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू वांट। तो यार कुछ अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जहां से आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक YouTube चैनल है बाय द नेम फ्री कोड कैंप, ये बहुत ही अच्छा YouTube चैनल है। यहां पर आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड यू कैन कंज्यूम दीज लेक्चर्स। द ओनली इशू इज कि जब आप लोग लेक्चर्स देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल चीज़ है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप लोग कोड करने बैठते हैं तो टाइपिंग नहीं हो पाती है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को लेक्चर्स देखते देखते साथ में कोड भी करना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। ओके, देयर इज अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम हैकर रैंक, जहां पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनपुट आउटपुट से लेकर के लूप्स, व्हाइल लूप्स, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो हैकर रैंक पर जाना, वहां पर जाके प्रैक्टिस सेशन जरूर सॉल्व करना अलॉन्ग विद लेक्चर्स, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यार एक और प्लेटफॉर्म है स्किलअप बाय सिंपली लर्न, जहां से आप लोग जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये कोर्सेज भी काफी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं एंड वीडियोस देखने के साथ साथ आप यहां पर ही अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। स्किलअप की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, सो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स एनी टाइम एनी वेयर, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दीज लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग यहां पर आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इफ यू वांट टू डू वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सारे ही कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। ऑल दीज कोर्सेज आर डिजाइंड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड ये सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं एंड यू ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेशन विद दीज कोर्सेज। सो द लिंक ऑफ स्किल अप इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं, पहला कि भैया कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, द आंसर इज 1। दूसरा क्वेश्चन कि भैया कितनी प्रैक्टिस करनी है, रुकना कब है? तो जो मैंने आपको लेक्चर्स बताए हैं वो देख लो, साथ साथ हैकर रैंक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और बाकी की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे DSA के साथ। अब ये DSA क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? सो DSA इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनीज को DSA के क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद है। इससे दो चीजें होती हैं, एक आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है और दूसरा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पता चलता है। सो यू शुड स्टार्ट DSA विद वेरी बेसिक टॉपिक्स सच एज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, बहुत ही सिंपल टॉपिक है DSA का। देन यू शुड गो टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स चाहिए, फैक्टोरियल्स, प्राइम नंबर्स, GCD, LCM, पावर्स, ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। देन यू कैन गो टू ईजी डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, फिर थोड़े थोड़े एल्गोरिदम्स सीखना स्टार्ट कर दो जैसे कि सर्चिंग एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन। देन यू कैन मूव ऑन टू अ लिटिल एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, ट्रीज, ग्राफ्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मुझे भी DSA पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है,
इसीलिए आई एम लॉन्चिंग अनदर DSA बूटकैंप जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड लाइक लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड TA सपोर्ट. हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे TAs हैं जो कि आपको कहीं भी स्टक नहीं होने देंगे. तो इस बूटकैंप की फीस 0 है बट द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं एज अ TA तो प्लीज एक कमेंट छोड़ देना, आई विल रीच आउट टू यू. लाइक लास्ट टाइम ये वाला DSA बूटकैंप भी हम लोग बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. अगर आपको इस DSA बूटकैंप में ज्वाइन करना है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लेना. आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है, कैसे डाउट्स वगैरह पूछने हैं. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल देयर. ओके, अब यार DSA सीखते टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें. अब हम लोग DSA बूटकैंप में बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं लेकिन उसके साथ साथ आई वॉन्ट यू टू गिव कॉन्टेस्ट एज वेल. अब कॉन्टेस्ट क्या होते हैं? तो यार कॉन्टेस्ट में आप लोगों को कुछ DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन अ लिमिटेड टाइम. और आफ्टर द कॉन्टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी एक रैंक डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस. काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड, इन सभी पे कॉन्टेस्ट होते हैं. बट आई वुड एडवाइस यू टू गो विद लीड कोड. लीड कोड से स्टार्ट करो कॉन्टेस्ट देना. हालांकि थोड़ा जल्दी होते हैं, संडे मॉर्निंग्स 8 AM को होते हैं यहाँ पर कॉन्टेस्ट, बट यू कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेस्ट के बाद आप लोग अप सॉल्विंग करें. सो अप सॉल्विंग इज अ प्रोसेस जहां पर आप लोग दूसरों के सॉल्यूशंस देखते हैं और उससे सीखते हैं. मान लीजिए कि आपका एक प्रॉब्लम था, आपने वो सबमिट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है. तो आप लोग दूसरों के सॉल्यूशंस देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि दूसरों का सॉल्यूशंस आपके सॉल्यूशन से कैसे अच्छा है. जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते हैं उनके भी सॉल्यूशंस जाकर के आप लोग चेक करेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपसॉल्विंग. इट्स अ वेरी गुड हैबिट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट एंड डू अपसॉल्विंग. अब DSA के साथ साथ ना आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है. ये प्रोजेक्ट आपकी एक वेबसाइट हो सकती है, आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई मशीन लर्निंग का मॉडल हो सकता है, या व्हाटएवर यू वांट. मैंने तो लोगों को DSA के प्रोजेक्ट्स बनाते हुए भी देखा है. एंड इफ यू वांट टू मेक अ DSA प्रोजेक्ट, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है. काफी सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं उस वीडियो में, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल. अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप लोग काफी सारे कोर्सेज करने वाले हैं, काफी सारे अचीवमेंट्स करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स, अपने कॉन्टेस्ट की रैंक्स या फिर हैकाथॉन्स की रैंक. ठीक है, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है. सो मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन योर रिज्यूमे. एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाना है, अगर आपको ये चीज देखनी है, यू कैन चेक आउट माय गूगल रिज्यूमे वीडियो जहां पर मैंने अपने रिज्यूमे का ब्रेकडाउन किया हुआ है, एक एक सेक्शन को अच्छे से बताया हुआ है कि हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस रिज्यूमे. ठीक है, तो आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड जाते जाते मेक श्योर टू चेक आउट स्किल अप बाय सिंपली लर्न. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.